उसमें यहाँ पे कैडिला के क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स आ गए हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको कैडिला के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे टोटल रेवेन्यू की बात करें तो क्वार्टरली बेसिस पर टोटल रेवेन्यू 1.3% बढ़कर 3846 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है। अब इसके बाद अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 28% बढ़कर 679 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। तो देखिए, नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो क्वार्टरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट कंपनी का बहुत ही अच्छा निकल कर आया है। अब इसके बाद अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस, यानी कि पिछले साल के जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर से अगर हम रेवेन्यू को कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में 2.5% का ग्रोथ हमको यहाँ पे कंपनी के टोटल रेवेन्यू में देखने को मिला है। लेकिन जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पे 73% बढ़कर 679 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। तो अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू में इतना ग्रोथ देखने को नहीं मिला है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टरली बेसिस दोनों में, दोनों मतलब अगर आप देखोगे दोनों पैरामीटर्स पे यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी 20% से ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आई है। तो इसका क्लियरली इंडिकेशन है कि जो कंपनी के मार्जिन परसेंटेज हैं वो यहाँ पर अच्छे से बढ़ते हुए नजर आए हैं। अब एट दी एंड अगर हम डिविडेंड की बात करें तो 3.5 रुपीज़ का डिविडेंड यहाँ पे कंपनी ने रिकमेंड किया है, यानी कि अगर आपके पास 100 शेयर्स है तो आपको यहाँ पे 350 रुपीज़ का डिविडेंड मिलेगा। अब ये देखिए 64,301 करोड़ का यहाँ पे इसका मार्केट कैप है। अगर आप देखोगे इंडस्ट्री का पी 40.90 का है और ये आपको 34.82 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर मिल रहा है। देखिए, ये जो कंपनी के रिजल्ट आए हैं इसके बाद जो कंपनी का अर्निंग पर शेयर है वो अराउंड 20 रुपीज़ के लगभग निकल कर आता है। तो भी उसके बावजूद भी जो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो फिर भी 32 निकल कर आता है। तो देखिए, मेरे ख्याल से जो कैडिला का एवरेज प्राइस टू अर्निंग रेशियो है पिछले 5 साल का तो वो अराउंड 25 है। तो ये रिजल्ट के हिसाब से इसका प्राइस अगर देखा जाए एक परफेक्ट वैल्यूएशन के हिसाब से तो 500 रुपीज होना चाहिए। तो अभी थोड़े ओवर वैल्यूएशन पर ये कैडिला आपको ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। अब ये देखिए, पिछले 4 साल से लगातार कंसिस्टेंट ग्रोथ यहाँ पे कैडिला ने रेवेन्यूज में दिखाया है, लेकिन पिछले साल थोड़ी सी यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई थी, लेकिन अब फिर से कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो नॉर्मल लेवल पर आ चुकी है। अब ये देखिए 634 पे यहाँ पे कैडिला का शेयर भी ट्रेड हो रहा है और 673 का इसका हाई है, तो अराउंड 4-5% ये शेयर अभी आपको करेक्शन पर मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो कैडिला भी थोड़े से ओवर वैल्यूएशन पर ट्रेड हो रहा है। तो जो लोग इसमें अभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए बिल्कुल भी मैं अभी एडवाइस नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि थोड़ा भी जो अभी कोविड चल रहा है उसके चलते जितने भी फार्मा स्टॉक्स है ये आपको थोड़े से ओवर वैल्यूएशन पर ट्रेड होते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसीलिए यहां पर मैं इस काउंटर पर जितने भी फार्मा स्टॉक्स है इस काउंटर पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग मैं एक्सपेक्ट करता हूं। अगर प्रॉफिट बुकिंग नहीं होती है तो मेरे ख्याल से इस काउंटर को एक बार के लिए अवॉइड करना चाहिए, जैसे मेटल स्टॉक को अभी हम अवॉइड कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं होप करता हूं कि आपको कैडिला हेल्थ केयर के क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।